ऑल राइट, तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी T800 अल्ट्रा, T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, जिन प्रॉब्लम्स को भाई पूरे यूट्यूब पे किसी का बाप भी सॉल्व नहीं कर सकता। मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि भाई मैं अभी तक किसी का बाप नहीं बना। तो क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? मेरे भी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार कैसे हो तुम लोग, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना आपकी स्मार्ट वॉच T800 अल्ट्रा, T900 अल्ट्रा एंड इससे सिमिलर जितनी भी अदर स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊंगा भाई, जिनको आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो भाई, आपको कोई एक वीडियो मिलेगी ना उसके ऊपर भाई जस्ट बात ही। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में भाई मेरी वीडियोस के अंदर मुझसे बार बार रिपीटली पूछा गया कि भाई इनका सलूशन बताओ। उन प्रॉब्लम्स के अंदर से मैंने कुछ ऐसी तीन प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया जिनका भाई मैं इस वीडियो के अंदर सलूशन बताऊंगा। उससे पहले तुम लोग मेरे कोई बालों का सलूशन बता दो यार, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ भाई किसी तरह खड़े हो जाए, खड़े नहीं थे हो रहे भाई, तो फिर मैं बैठ गया और इनको भी बिठा लिया। देखो इस वीडियो के बाद मुझे काफी लोग बोलेंगे भाई हमने भी आपको प्रॉब्लम कमेंट की थी लेकिन आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो यार टेंशन ना लो, काफी प्रॉब्लम्स आई होती है, काफी कमेंट्स होते हैं, सभी को एक ही वीडियो के अंदर कवर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होता है। तो भाई आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर फिर नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगी ना उसके अंदर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज जो क्वेश्चन मार्क होता है ना उसको जरूर ऐड किया करो, उससे मुझे आसानी होती है आपके जो भी क्वेश्चन है ना उनको पिक करने में। लाइक टारगेट की बात करें तो ओनली इस वीडियो का ना हम 150 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। यार तुम लोग आजकल बहुत तेजी से कर देते हो, तो भाई बढ़ाने वालों काफी जल्द, तो ये भी जल्दी से कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है हमारी स्मार्ट वॉच की चार्जिंग स्पीड के हवाले से। मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारी स्मार्ट वॉच जो है ना वो चार्ज तो हो रही है लेकिन उसकी चार्जिंग स्पीड इतनी है जितनी कि भाई हमारे इस चैनल की चैनल ग्रोथ है, ना होने का प्रॉब्लम। जस्ट किडिंग, तुम लोग लव हो बस सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तुम लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा भाई अपनी स्मार्ट वॉच पकड़ो एंड इसकी बैक साइड जो है ना भाई ये जहाँ से ये चार्ज होती है इसके सेंसर्स वाली साइड टिश्यू ले लो, उसकी मदद से आप अपनी स्मार्ट वॉच की बैक साइड को पहले तो क्लीन कर लो, देन थोड़ा सा आप जो है ना वो इसको गीला कर लो, थोड़ा सा वाटर लगा कर देन इसको जो है ना वो क्लीन करो इसकी बैक साइड को प्रॉपर। ध्यान रहे भाई आपने ज्यादा वाटर का यूज नहीं करना, अगर पानी अंदर चला गया ना तो भाई आपके भी अंदर हो जाएगा। सेम गोज विद द चार्जर, जो चार्जर की ऐसे नीचे वाली साइड है ना जो भाई थोड़ी सी अंदर की टाइप होती है उसको आप लोगों ने क्लीन करना है भाई टिश्यू की मदद से या फिर किसी भी कपड़े की मदद से, लेकिन हाँ इसको गीला नहीं करना, जस्ट ऐसे ही आप लोगों ने उसको क्लीन करना है, कोई भी डस्ट वगैरह है उसको वहां से हटा लो, देन सिंपली अपनी स्मार्ट वॉच को जो है ना वो चार्जिंग पर लगा कर देखो, आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो फास्ट चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। डस्ट की वजह से होता है भाई थोड़ी बहुत कनेक्शन के अंदर ना थोड़ी सी ऐसे मसले मसल आते हैं डस्ट की वजह से, तो भाई इसको क्लीन कर लो। अगर फिर भी आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो स्लो चार्ज हो रही है तो भाई एक बार अपना जो अडाप्टर है जो भी आप अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए यूज करते हो भाई उसको भी चेंज करके देख लो, उसका भी काफी बड़ा जो है ना वो हाथ होता है फास्ट चार्जिंग एंड स्लो चार्जिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो काफी लोगों की प्रॉब्लम होने वाली है भाई, इसके ऊपर मुझे लिटरली बहुत से लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है। जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि भाई हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है ना वो स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है। अब देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं भाई इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा तो भाई उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको जरूर वॉच करना। देखो सबसे पहले तो भाई तुम लोग एक टूथपेस्ट जो होती है ना टूथब्रश ले लो एंड अपनी स्मार्ट वॉच की जो स्पीकर की साइड है ना जो ग्रिल है स्पीकर की इसको जो है ना वो एक बार अच्छे से क्लीन कर लो अंदर से ऊपर इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर लो एंड देख सकते हो यहाँ पे जो होल्स होते हैं ना स्मार्ट वॉच की ग्रिल के वो भी काफी टाइम जो है ना ऐसा होता है वो ब्लॉक्ड होते हैं, जैसे कि मेरी अपनी स्मार्ट वॉच के यहाँ पे ब्लॉक्ड है, इसको भी आपने ना किसी पिन की मदद से या फिर किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर ले जाओ एंड वो जो है वो इसको जो है वो ओपन कर देंगे, देन आपकी स्मार्ट वॉच का जो वॉल्यूम है ना वो आपको ऊंचा सुनाई देगा एंड वैसे भी इसकी जो स्मार्ट वॉच का मैक्सिमम पोटेंशियल है ना अगर तो आप उसको टच कर लेते तो भाई आपकी स्मार्ट वॉच का उससे ऊपर वॉल्यूम नहीं होने वाला। एंड अगर तो तुम लोगों को नहीं पता कि भाई स्मार्ट वॉच का जो वॉल्यूम है उसको हमने बूस्ट कैसे करना है तो भाई ये वीडियो देख लो, इसके अंदर मैंने बताया था कि भाई तुम लोग स्मार्ट वॉच का वॉल्यूम बूस्ट कैसे कर सकते हो। अगर तो आपकी स्मार्ट वॉच का मैक्सिमम पोटेंशियल 100% वॉल्यूम है ना तो ये 200% पे ले जाएगा। तो ये सब तुम लोग करोगे भाई एक एप्लीकेशन की मदद से, इसको आप जो है वैसे तो भाई समझ नहीं पाओगे, आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं इसका जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तुम लोग इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो भाई ये वीडियो जरूर वॉच करना, इसके अंदर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि भाई इसका वॉल्यूम तुम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना वो है भाई हमारी स्मार्ट वॉच के क्रोन बटन को लेके, ये जो बटन आपको यहाँ पे साइड पे नजर आ रहा होता है जो घूमता है ये काफी लोग का जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, वो जो है ना वैसे इसको स्क्रॉल करते रहते हैं घुमाते रहते हैं, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मैंने भी अपनी पहले वाली स्मार्ट वॉच के अंदर फेस किया है, हम इसको जो है ना वो घुमाते रहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो चेंज नहीं होता, ना ही तो वॉच फेसेस चेंज होते हैं ना ही अंदर से कुछ भी स्क्रॉल वगैरह होता है। सबसे पहली टिप तो तुम लोग को ये है कि भाई ये देखो जब हम इसको यहाँ पे घुमा रहे हैं
ये देखो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। सबसे पहले तो तुम लोग करो क्या, इसको एक बार अंदर को प्रेस करो, देन इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके देखो आप किस स्मार्ट वॉच का ये बटन जो है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा। सेकंडली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग की अगर तो स्मार्ट वॉच का जो है ना ये बटन फ्री हो चुका है, इसका जो लॉक है वो अंदर से अगर टूट चुका है, सबसे पहले तो भाई इसको बाहर निकालना है तुम लोगों ने। अब मेरी स्मार्ट वॉच अभी प्रॉपर ठीक है तो भाई मैं ये सब नहीं करने वाला। आई विल रिकमेंड यू कि भाई अगर ये तुम तो खुद से ट्राई करोगे ना तो भाई ना करना, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आपकी स्मार्ट वॉच खराब भी हो सकती है। पर तुम लोग इसको ले जाओ भाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, यस ये वो चीज जो है ना वो हल कर सकते हैं। एक्चुअली इसका एक ना लॉक होता है, ये जब तुम इसको बटन को निकालोगे ना इसके साथ एक पिन सी लगी होती है जिसका भाई आगे एक लॉक सा लगा होता है, वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली फ्री हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये बटन तो घूमता है लेकिन अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है ना वो इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो लॉक ऑलरेडी फ्री हो चुका है, उससे कुछ भी नहीं अंदर इफेक्ट पड़ा। तुम लोग अपनी स्मार्ट वॉच को मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर ले जाओ, इसका जो लॉक है ना वो अगर फ्री हो वो देकर आपको प्रॉपर ठीक कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ ये वीडियो उनको दिखा देना भाई, इनको बोलना कि इसके अंदर जो पिन लगी हुई है उसका अंदर जो लास्ट पे लॉक होता है वो जो है ना वो फ्री हो चुका है भाई, उसको जो है ना वो ठीक कर दें। यहाँ तो हो सकता है कि भाई अगर वो काफी इन्फॉर्मेशन रखते हैं इन सब चीजों की तो भाई वो आपको लॉक जो है ना वो चेंज भी करके लगा देंगे। अदर देन दैट ये क्रॉन बटन फिर भी वर्क ना करे तो भाई आप लोग टेंशन ना लो। अगर तो आपको वॉच फेस चेंज करना है तो सिंपली तुम लोग ऐसे स्वाइप करके अपनी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। अगर तो उसके अंदर वॉच फेस के अंदर कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो देन आप टाइप करके चेंज कर सकते हो। होम पेज पे यहाँ पे आपने अगर स्क्रॉल करना है तो भाई वो अपनी फिंगर से तुम लोग इजीली कर सकते हो, भाई अपने थंब से भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें जो है ना वो इस बटन से होती है ना वो तुम लोग मैनुअली भी अपने हाथ से कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी को ये चीज पता थी, देन इसीलिए उन्होंने ये चीज जो है वो मैनुअली भी रखी हुई है। अगर बटन आपका फ्री हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है देन आप जो है ना वो इसको खुद से मैनुअली भी ये सब चेंज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनका भाई सलूशन बताना था एंड वो मैंने बता दिया। भाई अगर आपका कमेंट मैंने पिक नहीं किया, आईपी जो भी प्रॉब्लम थी वो नहीं मैंने इस वीडियो में अंदर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होती है तो उन सबको एक ही वीडियो के अंदर कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए भाई नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर पिक कर लूंगा ऐसा मुझे लगता है। वेल कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस।